हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑफ एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर सिक्स, रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। लेट्स हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शंस। दिस डायरेक्शन इट इज़ नोन एज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। यानी एक रीता नाम की लड़की है, वो किसी पॉइंट से, मान लीजिए इस पॉइंट से ईस्ट की तरफ चलती है, कितना डिस्टेंस कवर करती है? शी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर्स। शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट अलॉन्ग द सेम रोड। वो जिस डायरेक्शन में जाती है उसी रोड से वापस 30 किलोमीटर आ जाती है। यानी देखिए, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ए, ए से लेकर बी तक चलती है वो 20 किलोमीटर्स, एंड शी रिटर्न्स बैक फ्रॉम पॉइंट बी टूवर्ड्स ए इन द सेम रोड, एंड इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर्स। यानी यहाँ तक भी जाती 20 किलोमीटर्स कवर करती है, यहाँ से वापस आती है 30 किलोमीटर्स, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 10 किलोमीटर्स। अब ये समझिएगा, जैसे हमारे पास में नंबर लाइन है, नंबर लाइन के जो सेंटर होता है ये होता है हमारे पास में जीरो। ये इस तरफ राइट साइड वाले सभी टर्म्स होते हैं पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाले सारे टर्म्स होते हैं नेगेटिव। इसी के हिसाब से हमें ये इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इफ़ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई अ पॉजिटिव इंटीजर, जैसे हमारी ईस्ट यानी राइट साइड को हम लोग पॉजिटिव नंबर से शो करते हैं, तो लेफ्ट साइड वेस्ट साइड वाले टर्म्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे शो करेंगे उनको? हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड्स वेस्ट? तो वेस्ट की तरफ जो भी डिस्टेंस कवर होगा वो हम लोग नेगेटिव साइन से उनको शो करेंगे। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए? यानी ए से जो यहाँ पर है, जो फाइनल पोजिशन है यहाँ पर, वो आ गई लास्ट में, तो यहाँ का जो जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कैसे शो करेंगे, कैसे उसको दिखाएंगे, वो हमें इसमें बताना है। तो देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईस्ट यानी टोटल डिस्टेंस ये कितना कवर करती है यहाँ से ए से बी तक का? 20 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वेस्ट यानी यहाँ से वापस वेस्ट डायरेक्शन में कितना कवर करती है वो? 30 किलोमीटर। अब यहाँ से ये वाला तो हमने पॉजिटिव लिया, तो ये वाला डिस्टेंस कैसा लेंगे? नेगेटिव। हमें बताना है कि फाइनल उसकी पोजीशन टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ 20 गई, 20 से वापस यहाँ 20 आ गया, और ये 30 10, यानी 10 किलोमीटर उसने फाइनल अपनी जगह से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस मूव हुई है, और ये लेफ्ट साइड में है, तो हम लोग इसको नेगेटिव साइन से शो करेंगे। देखिए, 20 प्लस ब्रैकेट के अंदर -30, तो व्हेन वी विल ओपन दिस ब्रैकेट वी विल द पॉजिटिव साइन विल गेट कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव, एंड इफ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस टू नंबर इट इज 10, एंड एज वी नो 30 इज बिगर देन 20, सो वी विल यूज नेगेटिव साइन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, वेरीफाई ए माइनस ब्रैकेट माइनस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज। हमें ये वाला जो हमारे इसका जो फॉर्मूला है इसको हमें शो करना है इन वैल्यूज के लिए। देखिए, ए माइनस और यहाँ पर भी माइनस है, जब ब्रैकेट के बाहर भी माइनस हो, ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, तो जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव साइन। माइनस और माइनस इट विल चेंज इनटू पॉजिटिव। तो वी आर हैविंग सम वैल्यूज फॉर ए एंड बी, एंड वी हैव टू सॉल्व दिस टेकिंग दिस एज LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, एंड टेकिंग दिस एज RHS यानी राइट हैंड साइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सॉल्विंग LHS यानी ए माइनस, क्योंकि हमारा LHS है। देखिए, ए माइनस माइनस बी, ए माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस बी, तो ए की वैल्यू हमें दी हुई 21, बी की वैल्यू दी हुई 18। So we are putting the values of a and b in this formula. A equals to 21 minus minus 18. Minus and minus it will get converted into positive. 21 plus 18 it is 39. Now solving RHS this side a plus b. So a plus b it is 21 plus 18 it is 39. Yani LHS equals to RHS. LHS or equal RHS equal RHS. So our answer verify. Yani we are having same true solution. We are having a as 118, b as 125. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग LHS दैट इज ए माइनस माइनस बी। माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, इनकी वैल्यूज रखेंगे यहाँ पे। ए की वैल्यू 118 माइनस माइनस 125। व्हेन वी विल ओपन दिस ब्रैकेट दिस टू साइन विल गेट कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव साइन। 118 प्लस 125, वी हैव टू सिंपली एड दिस नंबर एंड वी आर हैविंग द आंसर एज 243. RHS दैट इज दिस टर्म ए प्लस बी, a plus b, we have to simply add this number, we are having 243, LHS equals to RHS. C or D, आपके लिए सेम टू सेम इसी तरह से करना है। पहले LHS लो, LHS लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा हमारा LHS? A minus minus b, a की वैल्यू 75, b की वैल्यू 84, यहाँ पर लिखेंगे 75 minus minus 84, ये हो जाएगा 75, ये माइनस और माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे 84, इनको ऐड करना है। और जब RHS सॉल्व करेंगे, RHS क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी, वी हैव टू सिंपली एड दिस टू नंबर एंड चेक वेदर अवर आंसर इज करेक्ट और नॉट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, एक क्वेश्चन अप डाउन हो गया, पहले 8 सॉल्व करा दिया मैंने, फिर 7th किया, तो आप लोग पहले 7th कीजिएगा फिर 8 कीजिएगा कॉपी के अंदर। इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। हमारे पास में दो स्क्वायर्स हैं, हमें चेक करना है कि इनमें से मैजिक स्क्वायर कौन सा है। मैजिक स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सभी
ये हम लोग रोज और कॉलम को ऐड करें और डाइगनल को ऐड करें तो इनका सम हमेशा सेम होना चाहिए। व्हेन वी आर सॉल्विंग, देखिए यहाँ पे 5 - 1 - 4, व्हेन वी आर सॉल्विंग दिस नंबर्स 5 - 4 - 4 - 4 - 4 - 0, वी आर हैविंग द आंसर एज 0। -5 - 2 + 7, -5 और -2 हो जाएगा -7, -7 + 7 ये हो जाएगा रिजल्ट, हो जाएगा हमारा फाइनल 0। 0 + 3 - 3, 3 - 3, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा 0। 5 - 5 + 0, 5 - 5, ये भी हो जाएगा 0। -1 - 2, इट इज -3, -3 + 3, 0। -4 + 7 - 3, ये भी हमारा रिजल्ट आ जाएगा 0। एंड एक कोने से दूसरे कोने का ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है हमारे डायगनल्स। सो व्हेन वी आर सॉल्विंग दिस डायगनल्स 5 - 2 - 3, 3 - 3, ये भी हमारा डायगनल आ गया 0। व्हेन वी आर सॉल्विंग दिस डायगनल -2 - 4, ये आ गया हमारा -6। अब देखिए यहाँ पे सभी का सम तो 0 आ रहा है, लेकिन एक ये वाला जो डायगनल है इसका सम आ रहा है -6। लेकिन जो मैजिक स्क्वायर होता है उसके अंदर क्या होता है, सभी का सम क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ज़रूरी नहीं 0 आए लेकिन क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यहाँ पे सभी का सेम आ रहा है बस इसको एक छोड़ के, लेकिन आना मैजिक स्क्वायर में सभी का सेम होना चाहिए, लेकिन ये हमारा मैजिक स्क्वायर नहीं है क्योंकि एक का सम क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो ये हमारा मैजिक स्क्वायर नहीं है। नो, इट इज़ नॉट अ मैजिक स्क्वायर। नाउ सॉल्विंग दिस सेकंड पार्ट, इसके अंदर जब आप सभी इसका सॉल्व करेंगे, देखिए -1 - 10 + 0, तो -1 - 10, वी आर हैविंग आंसर एज अ -9। -4 - 3 - 2, व्हेन वी आर हैविंग ऑल द टर्म्स इन नेगेटिव वी विल ऐड दिस नंबर्स एंड पुट द साइन नेगेटिव। -4 - 3 - 2, वी आर हैविंग द आंसर एज -9। 4 - 3 - 7, -9। नाउ सॉल्विंग दिस 1 - 3, 1 - 4, -3 - 3, -6 - 9, -10 - 3 or 4, तो -10 and -3 इट विल बी -13, -13 + 7 - 9, 0 - 2 - 7 इट विल ऑल्सो बी -9। नाउ सॉल्विंग डायगनल्स -6 - 3, इट इज -9। नाउ सॉल्विंग दिस डायगनल 1 - 3, इट इज -2 - 2 - 7 - 9, सो वी आर हैविंग द ऑल टर्म्स एज सेम आंसर, सो इट इज अवर मैजिक स्क्वायर। सो द आंसर विल बी 2 इज अ मैजिक स्क्वायर बिकॉज सम ऑफ ईच रो कॉलम एंड डायगनल हैव द सेम सम। ओके, थैंक यू।